आप सभी का जो एडमिट कार्ड है उसमें जो पेज नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट, मतलब जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर पर आधार कार्ड नहीं ले जा पा रहे हैं किसी कारणवश, किसी रीजन से, मान लीजिए खो गया है या कहीं और रखा गया है या कहीं गुम हो गया, कुछ भी हो गया है, तो उसकी जगह पर आप लोगों को कुछ भी, आप अपनी वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जा सकते हो, या कोई भी आईडी जिसमें आपका पिक्चर हो और उस आईडी की एक आइडेंटिटी हो, एक नंबर हो, आप वो लेकर के वहां पर जा सकते हैं। तो जो लोग भी नॉन आधार कैंडिडेट हैं, ये लोग जो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब लेकर के जा रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए वो 4th पेज है, तब आप उसको फिल करेंगे और ये वहां पर डिक्लेरेशन के तौर पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग आधार लेकर के जा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है डिक्लेरेशन, नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए उसको भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ फ्रंट पेज ही लेकर के जाएंगे।